हर वर्ष सरकार केजीएमयू को करोड़ों का बजट दे रही है, लेकिन मरीज मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। जहां तपती गर्मी में केजीएमयू के नेत्र विभाग का बुरा हाल देखने को मिल रहा है, गर्मी से मरीज और डॉक्टर का हाल बेहाल है। जहां एक पीड़ित ने वीडियो वायरल किया है जो अस्पताल में बंद इंतजामी की पोल खोल रहा है। वायरल वीडियो में ऑपरेशन कराकर बेड पर आए मरीज के परिजन हाथ से हवा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा ये कि केजीएमयू प्रशासन क्या संज्ञान लेता है इस मामले पर। केजीएमयू के नेत्र विभाग का बुरा हाल देखने को मिल रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भीषण गर्मी के बीच लोगों का हाल बेहाल है। जहां पर एसी और कूलर की व्यवस्था नहीं है, लोग अपने मरीज का हाथ से हवा कर रहे हैं। तीमारदार अपने मरीजों का हाथ से हवा कर रहे हैं। हर वर्ष सरकार केजीएमयू को करोड़ों का बजट दे रही है, लेकिन मरीज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जहाँ तपती गर्मी में केजीएमयू के नेत्र विभाग का बुरा हाल है, गर्मी से मरीजों और डॉक्टरों का हाल बेहाल है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ओवैस जुड़ चुके हैं लाइव। ओवैस, केजीएमयू का हाल बेहाल है, तस्वीरें भी सामने आ रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, क्या अपडेट है? बता दें कि ये केजीएमयू का नेत्र विभाग है और नेत्र विभाग में एक जो पीड़ित था, पीड़ित से जो वहाँ पे मरीज इलाज कराने आया था, जो उसके अटेंडेंट थे, उन लोगों ने साफ तौर पे ये वीडियो बनाकर भेजा है और वायरल किया है। तो तमाम तरीके से जो गर्मी का भीषण प्रकोप है, उसमें एक पंखा ना चलने की वजह से जो पंखे चल रहे हैं वो भी नाम मात्र चल रहे हैं, जिस तरीके से पेशेंट परेशान हो रहे हैं, तो उसका वीडियो जो है वो जो उनके अटेंडेंट थे, अटेंडेंट जो मरीज है और मरीज के साथ जो उनके परिवार के परिजन थे, उन लोगों ने ये वीडियो बनाकर वायरल किया है। और जो केजीएमयू के नेत्र विभाग की जो कमियां है इस भीषण गर्मी में वो दिखाई हैं। जी, ओएस, भीषण गर्मी के बीच जहां तापमान 40 से 45 डिग्री पारा पहुंच रहा है, इस बीच मरीजों के लिए इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं सही नहीं है, किसकी लापरवाही सामने आ रही? जहाँ पर यहाँ देखा जा रहा तस्वीरों में कि लोग हाथ से हवा कर रहे हैं, एसी और कूलर नहीं, किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, किसकी लापरवाही सामने आ रही है? अगर लापरवाही की हम बात करें, देखिए तो साफ तौर पे केजीएमयू प्रशासन की लापरवाही सामने निकल कर आ रही है जी। ये जो जो विभाग है, विभाग की नेत्र विभाग की जो जो है लापरवाही सामने निकल कर आ रही है जी। क्योंकि इतनी भीषण गर्मी, इतने मरीजों को कोई सुविधा नहीं और गर्मी के अंदर पंखा नहीं। अब आप एक बात समझने वाली है कि जब ऑपरेशन थिएटर से ओटी से कोई मरीज निकल कर बाहर आता है और बाहर आने के बाद बेड उसको दिया जाता है, अब वार्ड में वो जाता है और उसको बेड दिया जाता है, और जब बेड के में इतनी भीषण गर्मी में पंखे के हाल बेहाल होंगे, जब पंखे के हाल बेहाल होंगे तो उस मरीज का हाल कितना बेहाल होगा, ये आदमी तस्वीरों में जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें देख सकता है और सोच सकता है। जी, ओवैस, हर वर्ष सरकार केजीएमयू को करोड़ों का बजट दे रही है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? मरीजों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, आखिर ये पैसा जा कहाँ जा रहा है? जी देखिए, सवाल तो ये बड़ा है कि जो ये पैसा है ये कहाँ जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम बात करें केजीएमयू के नेत्र विभाग की, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो केजीएमयू का नेत्र, देखिए और जो वार्ड है और जो विभाग है और जो केजीएमयू के अंदर चीजें हैं, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है। ये मात्र जो है ये नेत्र विभाग में एक वीडियो वायरल हुआ है और जो अटेंडेंट ने किया है। तो हम नेत्र विभाग की अगर हम बात करें तो नेत्र विभाग को ये समझना चाहिए कि कैसे भी करके जो मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनकी मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, और ऑपरेशन होने के बाद जब मरीज बेड पर आए तो उसको इस मरे हुए पंखे का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जिस तरीके से ये पंखा चल रहा है उससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि मरीज का क्या हाल होगा। जिस तरीके से वीडियो में जो उसका अटेंडेंट है, जो मरीज का परिजन है, वो हाथ से पंखा झल रहा है, उससे साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि उससे उसका क्या हाल होगा।
तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लापरवाही जो है वो नेत्र विभाग की है। नेत्र विभाग को इस बात को समझना होगा कि किस तरीके से हमारे जो मरीज हैं और मरीज के साथ साथ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के साथ जो अटेंडेंट हैं, अटेंडेंट के साथ जो नर्सिंग स्टाफ है और जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, उसको कितनी गर्मी का 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, ये एक अहम बात है। जी, ओवैस प्रशासन की तरफ से क्या संज्ञान लिया गया है इस मामले पर? देखिए, ये सुबह सुबह का मामला है और जो है अभी ये खबर वीडियो वायरल हुई है, अभी खबर चली है। प्रशासन की तरफ से अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से अभी इस पे कोई अपडेट नहीं आई है, कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि खबर चलने के बाद जल्दी ही इस पे प्रशासन कुछ संज्ञान लेगा और जो मरीज हैं और जो डॉक्टर हैं और जो वहाँ के अटेंडेंट हैं और जो नर्सिंग स्टाफ है और जो मेडिकल स्टाफ वहाँ पर मौजूद रहता है, उन सबकी समस्या का समाधान बिल्कुल जरूर होगा। जी जी ओवैस, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।